बीजेपी राजभर ने योगी पर लगाया आरोप, खुद पर हमले का लगाया आरोप, कहा मेरी हत्या कराना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को मिला टिकट, मऊ विधानसभा सीट से दाखिल किया नामांकन, कहा पिता की विरासत को बढ़ाऊंगा। गोड्डा में आपस में भिड़े बीजेपी और एसपी के प्रत्याशी समर्थक, जमकर हुई मारपीट, मारपीट में 10 लोग हुए घायल। चारा घोटाले के डोरंडा केस में फैसला, लालू यादव दोषी करार, करोड़ों के अवैध निकासी का है आरोप। नमस्कार, न्यूज बुल इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें मरवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के गुंडों को काला कोट पहनाकर भेजा गया था। ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे और वाराणसी के श्योपुर से पार्टी प्रत्याशी अरविंद राजभर का नामांकन करने गए थे। उनका आरोप है कि इस दौरान उनसे अभद्रता की गई और भद्दी भद्दी गालियां दी गई। ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया है कि जब वो अरविंद राजभर का पर्चा दाखिल करने गए थे तो उन पर हमला किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें मरवाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के गुंडों को काला कोट पहनाकर भेजा गया था। आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद से कल मैं बनारस से जिंदा बच के लखनऊ तक पहुंचा हूं। कल मेरे साथ योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पर बनारस जिले के डीएम और कमिश्नर दोनों की मिली भगत से योगी जी के गुंडे बनारस में जिस तरह की घटना किए हैं उसको देख लीजिए। जब हम लोगों ने नामांकन प्रक्रिया में चुनाव आयोग का निर्देश है कि प्रत्याशी एक प्रस्तावक एक वकील जाएगा, तीन लोग हम लोग गए और जब वहाँ से हम लोग अंदर थे तभी रिटर्निंग अफसर शिवपुर उन्होंने कहा कि ये बाहर इतने हल्ला क्यों हो रहे हैं, ये गाली गुप्ता क्यों हो रहा है। तो हमने कहा ये तो आपकी ड्यूटी है, आप दिखवाइए आपके यहाँ हम लोग अंदर हैं, बाहर क्या हो रहा है। खैर नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई, फिर हम लोग तीन आदमी बाहर निकलते हैं, गेट पर चार आदमी मिल जाते हैं और वहीं से गाली गुप्ता शुरू करते हैं और बाहर वो मैसेज देते हैं। अब दूसरा देख लीजिए, आप लोगों के सामने है। अब देखिए हम निकल रहे हैं तो कह रहे हैं आ गया। पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने मऊ विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। उन्हें सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मुख्तार इस सीट से 5 बार विधायक चुने गए हैं। सुभाजपा सभा के गठबंधन ने अब्बास को टिकट देकर अपनी रणनीति साफ कर दी है। अब्बास अंसारी पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने 2017 का चुनाव मऊ जिले की ही घोषी सीट से लड़ा था लेकिन उन्हें बीजेपी के फागू चौहान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इस बार मऊ में उनका मुकाबला बीजेपी के अशोक सिंह, बीएसपी के भीम राजभर और कांग्रेस के माधवेंद्र बहादुर सिंह से होगा। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद अब्बास ने मुख्तार अंसारी के चुनाव नहीं लड़ने की वजह के सवाल पर कहा है कि देश में आज लोकतंत्र खतरे में है, साजिश रची जा रही है जिसकी वजह से मेरे पिता नामांकन नहीं दाखिल कर पाए। ऐसी स्थिति में मेरे पिता ने मुझे विरासत सौंपी है और मैं इसे आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा।
वहीं गोंडा के कर्नलगंज में चुनाव प्रचार के दौरान जमकर मारपीट करने का मामला सामने आया है, जहां पर बीजेपी और एसपी प्रत्याशी के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाल की लापरवाही पर धरने पर बैठे बीजेपी प्रत्याशी अजय सिंह ने अपने समर्थकों के साथ थाने का घेराव किया और कोतवाल कर्नलगंज प्रदीप कुमार सिंह पर लापरवाही का आरोप लगाया है। गोरखपुर के अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर ब्लू कमांडो यातायात नियंत्रण इकाई के मोटरसाइकिल दस्ता को रवाना किया। इस दस्ते का नेतृत्व खुद अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार सिंह ने किया। वो मोटरसाइकिल में बैठकर ब्लू कमांडो दस्ते को आगे ले गए। ये रैली विजय चौक, गणेश चौक, यूनिवर्सिटी चौक, मोहद्दीपुर चौक से मुड़कर पैडलीगंज चौक, दाऊदपुर चौक, शास्त्री चौक व गोलघर होते हुए विजय चौराहे पर संपन्न हुई। इस दौरान अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए ब्लू कमांडो दस्ता की तरफ से ये जागरूकता रैली निकाली गई है और निश्चित तौर पर गोरखपुर का मतदान 70% पार होगा। हम इस समय विधानसभा 322 के जो हमारा महाप्रबंधक GM रेलवेज हैं या रेलवे के परिसर के आसपास हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे विधानसभा 322 में 2017 में जो न्यूनतम पोलिंग हुई थी लगभग 30%, वो इन जो कॉलोनी में लोग रहते हैं, इन परिसरों में जो लोग रहते हैं, वहाँ पे 30% लोग ही बाहर निकले पिछली बार अपने पोलिंग करने के लिए। आज हमारी पूरी टीम ने गोरखपुर के नागरिकों को जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली, जिसमें ADM विद श्री राजेश सिंह साथ में थे और जागरूक करने के लिए हम लोगों ने किया कि 70% कम से कम मतदान हो और अधिक से अधिक जितना भी हो सके। हमीरपुर में 5 दिन पहले सदर कोतवाली क्षेत्र में हुई सराफा की दुकान में लूट की वारदात करने वाले 7 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार के निर्देशन में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए धरपकड़ जारी है। इसी के चलते पुलिस को ये सफलता हाथ लगी है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जनपद में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का अभियान चलाया गया था। इस अभियान के तहत दीवार थाने से 10,000 रुपये का इनामी अपराधी गिरफ्तार हुआ है, जिसके कब्जे से मोटरसाइकिल, चोरी का सामान व तमंचा बरामद हुआ है। साथ ही जरिया थाने से जिला बदर गिरफ्तार हुआ है। राठ थाने से 3 चोरी के अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इनके कब्जे से 2,00,000 रुपये के चोरी के ज्वेलरी बरामद हुए हैं। इसी प्रकार जनपद के विभिन्न थानों से कुल 26 की संख्या में वांछित NBW और जिला बदर की गिरफ्तारी की गई है। थर्सडे को 10 मार्च को एक व्यापारी प्रिंस ज्वेलर्स का एक लूट की घटना हुई थी, जिसकी जानकारी पुलिस को बताई गई थी। पुलिस मौके पर आई थी, मुआयना भी किया था उन्होंने, CCTV फुटेज भी खंगाले थे। हम लोगों ने भी उनकी पूरी मदद की थी, रात में भी दिन रात एक किया गया, जो पुलिस ने सहायता मांगी सहायता दी गई पुलिस को। पुलिस ने भी बहुत प्रयास करके कुछ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो लूट में जो बाइक थी, पुलिस को बाइक बरामद हुई है। जिन्हों जो घटना के साथ मौजूद थे 2 लोग अन्य जिन्होंने घटना वालों के साथ थे, पुलिस ने 2 उनको बरामद किया है। कुछ सामान बरामद हुआ है। अभी फ़ोन आया था, हम सब व्यापारी यहाँ पर आकर इकट्ठा हुए हैं, पुलिस ने उनको पकड़ा। हम लोगों ने देखा भी, जांचा भी, वही है, बाइक भी वही है, आरोपी भी वही है। CCTV फुटेज में जिनके चेहरे सामने आ रहे थे वही लोग हैं। पुलिस में इसने सफलता हासिल की है और अभी आगे भी पुलिस और प्रयास कर रही है कि जो मुख्य आरोपी 2 और हैं जिन्होंने घटना उनको भी पकड़ा जा सके। पुलिस ने वहां दबिश दी है। वहीं पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले गांव हरदासपुर में मौजूदा ब्लॉक प्रमुख श्याम सिंह बीजेपी के लिए वोट मांगने सिख बाहुल क्षेत्र में गए तो उनको जमकर सिखों का विरोध झेलना पड़ा। लोगों ने बकायदा श्याम सिंह और उनके साथ मौजूदा लोगों को धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल दिया और जमकर बीजेपी विरोधी नारे लगाए। बता दें कि किसान आंदोलन की आग अभी तक पीलीभीत में नहीं बुझी है और जो सिख किसान हैं वो इसका दोष सिर्फ बीजेपी को दे रहे हैं, इसलिए वो पीलीभीत में जमकर बीजेपी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें पीलीभीत की हैं, जहां पर सिख समाज के लोगों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख को धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल दिया।
हरियाणा के गुरुग्राम में एक टैक्सी चालक पर हिजाब बुरका पहनी हुई महिला ने चाकू से हमला किया। टैक्सी ड्राइवर को गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में एडमिट करवाया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मौके पर तैनात गुरुग्राम पुलिस ने बुरका हिजाब पहनी महिला को हिरासत में ले लिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक हिजाब बुरका पहने महिला विदेशी बताई जा रही है। अभी तक पुलिस को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक महिला इजिप्ट की रहने वाली है। अब उससे पूछताछ की जा रही है और आखिर उसने टैक्सी ड्राइवर पर क्यों हमला किया, फिलहाल पुलिस की ओर से अभी ज्यादा जानकारी नहीं साझा की गई है। महाराष्ट्र में तेज रफ्तार के कहने चार लोगों की जान ले ली। रायगढ़ के खोपोली में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित हो गया। ट्रक ने ट्रैफिक में फंसे कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। इनमें से 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ियां बुरी तरह से पिचक गई, उनके परखच्चे उड़ गए। एक्सप्रेसवे नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों ने बताया कि पुणे से करीब 70 किलोमीटर दूर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे हाईवे पर करीब 6:30 बजे यह हादसा हुआ है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की, जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं, तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University, whether the goal is to get a job or to create a job. वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभालेंगे। कल का मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे इनसे मौके से थोड़ी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहां पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहां पर शराब के ठेके दिए। जगह नहीं, अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते नहीं? हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे के डर भैया, तो अपने लूटा गैरों में कादम था, मेरी किश्ती डूबी माजा पानी कम था। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड तिलक चावला के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आगे बढ़ेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई में अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। ईडी ने दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के मुंबई स्थित आवास पर भी छापेमारी की है। इसके अलावा ईडी ऐसे कई नेताओं के घर छापेमारी कर रही है जिनके तार डी कंपनी से जुड़े हुए हैं। एजेंसी ऐसे नेताओं की प्रॉपर्टी और अवैध निकासी से संबंधित केसों की जाँच कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी के अनुसार कुल 10 ठिकानों पर ये छापेमारी की गई और धन शोषण निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक राजनेता से जुड़े कुछ परिसरों को भी कवर किया जा रहा है।
लालू यादव चारा घोटाले के डोरंडा केस में भी दोषी ठहराए गए हैं। ये मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा है। रांची स्थित सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। मामले में सजा का ऐलान 21 फरवरी को होगा। अगर 3 साल से कम की सजा होती है तो यहीं से लालू को जमानत मिल जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो लालू को कस्टडी में रहना पड़ेगा। लालू समेत इस केस में अन्य भी आरोपी थे। सीबीआई कोर्ट ने 24 को बरी किया है, वहीं 36 को दोषी ठहराया है। मामले में पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत को भी दोषी माना गया है। उनको 3-3 साल की सजा हुई है। लोअर कोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो चारा घोटाले से जुड़े पिछले मामलों में लालू यादव को 3-3 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई है। वहीं दर्शकों, हिजाब मामले पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने आयरलैंड का हवाला देकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट में लिखा कि 2019 में आयरलैंड ने पुलिस वर्दी में हिजाब और पगड़ी की इजाजत दी थी। मोदी सरकार ने फैसले को प्रवासी भारतीयों के हित में बताते हुए उसका स्वागत किया था। अगर आयरलैंड के लिए यह ऐतिहासिक था तो कर्नाटक की बच्चियों से तकलीफ क्यों है? उनकी डिग्निटी की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही है? ऐसा कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में प्रचार करते हुए कहा कि नाम समाजवादी, काम तमंचावादी और सोच परिवारवादी है। मुख्यमंत्री ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि सपा का मूल उद्देश्य अपराधियों को संरक्षण देना और केवल एक परिवार के कल्याण के बारे में सोचना है। दिन में बम विस्फोट और रात में डकैती होती थी। माफिया को किसी का डर नहीं था, आम आदमी की संपत्ति हड़प लेते थे। उन्होंने कहा कि अराजकता का स्तर इतना अधिक है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान दंगे होते थे और महीनों तक कर्फ्यू लगाया जाता था। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, लेकिन 2 चरणों में जनता ने उनकी गर्मी निकाल दी और अब 3रे चरण में बुंदेलखंड के लोग उन्हें ठंडा कर देंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए सपा प्रमुख बुंदेलखंड दौरे पर निकले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने इस दौरान झांसी के खैर इंटर कॉलेज हमीरपुर में, ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज और रहमानिया इंटर कॉलेज मोदा और महोबा के डाक बंगले के मैदान में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया। तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री की शक्ल देखो, आजकल देखी कि नहीं देखी शक्ल आपने? वैसे 12 तो यहां बाद में बजे, सवेरे ही 12 बज गए। रात भर उन्हें नींद नहीं आई आज, क्योंकि 2रे चरण में वोट पड़ना था। रात भर नहीं सो पाए और सुबह ही हमारे पत्रकार साथियों को बुला लिया उन्होंने। कह रहे कि ये चुनाव 80-20 का है, 80-20 का। ये कह रहे चुनाव दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं। अगर बीजेपी के मुख्यमंत्री जी का अगर किसी ने सुना होगा आज का इंटरव्यू, उनकी शक्ल देख लेना, उनकी शक्ल पर 12 बज गए हैं। 12 बज गए कि नहीं बज गए? और जैसे ही वो सुबह उठ के अपनी शक्ल देखते हैं शीशे में, जो दिखाई देता है उसी पे चर्चा करते हैं। जो सुबह सुबह देखते हैं उसी पे चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। न केवल भविष्य का चुनाव है, उत्तर प्रदेश किस दिशा में जाए ये खुशहाली का चुनाव है, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है।
रानीपुर विधानसभा के रामधान कॉलिंग पोलिंग बूथ पर मतदान के बाद हंगामा हो गया। वहीं अन्य राजनीतिक दलों ने बीजेपी पार्टी पर मशीन में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। रानीपुर विधानसभा के बीएसपी और एसपी सहित कांग्रेस प्रत्याशियों ने ईवीएम से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों और मीडिया कर्मचारियों के साथ अभद्रता भी की, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए। चमोली में हृदय रोग जैसी जानलेवा बीमारी से 6 साल की एक छात्रा जूझ रही है। वहीं आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण छात्रा के परिजन इलाज नहीं करा पा रहे। छात्रा कर्णप्रयाग ब्लॉक के माठा गांव की रहने वाली है। छात्रा के पिता मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। वहीं उन्होंने मीडिया के जरिए से समाज सेवियों से मदद की गुहार लगाई है, जिससे वो छात्रा का इलाज करा सके। लक्सर के खानपुर क्षेत्र के गिद्धा वाली गांव में अजीत नाम का युवक गोली लगने से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ युवकों की तरफ से चुनाव को लेकर हल्ला मचाया जा रहा था। इसी बीच अजीत के वोट को लेकर युवकों से झड़प हो गई। उसकी पत्नी अंजू का आरोप है कि युवकों ने एक प्रत्याशी को वोट न देने की बात कहकर अजीत को गोली मार दी और कई राउंड फायरिंग कर दी, जिससे एक गोली अजीत को लग गई। वहीं गोली लगने से अजीत गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की छानबीन में पुलिस फिलहाल जुट गई है। पौड़ी देवप्रयाग मोटर मार्ग पर सड़क हादसा हो गया, जहां पर कार 200 मीटर खाई में जा गिरी। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायलों से मिलने के लिए पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना है। पीलीभीत के मरौरी ब्लॉक के दियोनी बहादुरगंज में ग्राम प्रधान भगीरथ पर गांव के ही एक युवक ने आरोप लगाते हुए बताया कि ग्राम प्रधान ने अली बख्श के खेत से मरघट तक सड़क निर्माण में करीब 94,000 रुपए बिना निर्माण कार्य कराए निकाल लिया। इसके अलावा मोहनलाल के खेत से देवीलाल के खेत तक के सड़क निर्माण कार्य में करीब 74,000 रुपए बिना निर्माण कार्य के निकाल लिए गए। जब इस मामले की शिकायत की गई तो ग्राम प्रधान ने फर्जी तरीके से फर्जी तहरीर थाने में देकर मुकदमा दर्ज करा दिया। फिलहाल मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों को कर दी गई है। अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी ऐसा होगा, मैंने इसकी डिमांड बहुत डाला था, काम लेबर लगाई थी मैंने, फिर बारिश हो गया। बारिश होने बाद नेपाल बोले, जो बोले नेपाल से नपा दो, तो मैं नेपाल बुलाया, नेपाल आया नहीं। उसके बीच बारिश हो गई, गड्ढों पानी भर गया, तो पानी के बरसात के वजह से ये काम नहीं हो पाया। लगभग कितने पैसों का काम हुआ है? 2 जगह काम कराया आपने? जैसे 2 जगह कराया तो इसका तो अभी थोड़ा काम इसमें तो हुआ नहीं। मैंने कहा जो पैसा पहले आ गया है तो काम भी मैं कराऊंगा, मैंने निकाला पैसा, इसका भुगतान मैं ही करूंगा, ऐसा नहीं गांव वाले को करेंगे। कितने का काम हुआ है? जैसे ये एक तो पीछे एक सड़क आपकी है, ये बनाई है आपने, इसके अलावा एक और सड़क का निर्माण कराया। कितना पैसा लगा इसमें निकला है? इसका एस्टीमेट बना था 94,000 का कुछ का है। इसका या दोनों का? उसका 74,000 का उसका है। हमने सर ये अली बख्श के खेत से लेके, हमारा खेत है यहाँ से और मरघट तक, इनने बिना मट्टी डाले कच्चा काम करे पैसे निकाल लिए। और हमने जब शिकायत करी जाके वहाँ ऊपर जाके, तो इनने गजला थाने में हमारी तहरीर दी आपके खिलाफ, हमारे खिलाफ। किसने पैसे निकाल दिए? भागीरथ जी खड़े हैं, प्रधान जी। प्रधान जी ने पैसे निकाल दिए जी। कुछ और भी काम कराया गाँव में? हाँ, इसके अलावा थोड़ा कच्चा काम और कराया, वो मोहनलाल खेत से लेके देवीराम के खेत तक, तो बीच में काम इनने अधूरा छोड़ दिया। बीच में कोई काम नहीं हुआ, आगे हुआ पीछे हुआ। तो लगभग कितना पैसा निकाला, कितने पैसे का घोटाला हुआ है इसमें? हुआ साहब जे वाला लिखा रहा है जो अलीबगत खेत से लेके 94,200 कुछ रुपए इन्हें लिखा रहा। वहीं आगरा थाना सदर क्षेत्र के देवरी रोड पर बीमा कंपनी के सहायक सेल्स मैनेजर प्रशांत सक्सेना के दबंगों ने बेसबॉल के बैट से पिटाई कर दी थी, जिसके चलते उनके सिर पर गंभीर चोट लगी थी। वहीं इलाज के दौरान मैनेजर की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं इनमें से एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।